दरअसल आपको याद होगा पिछले महीने एक महिला से पूछा गया आपकी आय दुगनी हो गई। उस महिला ने कहा हो गई, प्रधानमंत्री का सवाल था। हम लगातार सोच रहे थे कि ये कौन महिला है, क्योंकि किसानों की आय लागत से डेढ़ गुने हो जाए इसके लिए सरकार के पसीने छूट गए लागू कराने को लेकर। वो अभी जो लागू हुआ वो अभी एक अलग किस्सा है। लेकिन जिस महिला ने कहा था, हमारे संवाददाता ने उस महिला को पूछ लिया। सुनते हैं उस वक्त जो कहा था, इस वक्त जो कह रही है। ये छत्तीसगढ़ की चंद्रमणि कौशी है जी, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कन्हारपुरी की चंद्रमणि। देश में किसानों की आय दुगनी होने के सरकारी दावे की पोस्टर कर, पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दो गुनी हो गई है सर। तो याद कीजिए 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन किसान लाभार्थियों से बात की थी, उसमें सबसे आगे चंद्रमणि ही थी। और चंद्रमणि की इसी आय दुगनी के दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दो गुनी हो गई है सर। तो क्या वास्तव में चंद्रमणि की आय खेती में दुगनी हो गई, या माजरा कुछ और है? ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर कांकेर पहुंचे। यहाँ चंद्रमणि ने हमें बताया कि धान की खेती की हालत अभी भी खराब है। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। और जहाँ तक आय दुगनी होने का सवाल है, तो ऐसा कहने की ट्रेनिंग दी गई थी। जी जी, चंद्रमणि का कहना है कि दिल्ली से एक अधिकारी आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के दौरान कहा कि आय दुगनी बतानी है, तो फिर बता दिया। बताए हमको कि मतलब आपको प्रधानमंत्री से बात करना है, कर पाओगी कि नहीं? कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था, उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप को महिला बताइए। लेकिन सच्चाई में जो महिला, जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल जो फायदा बताई है, वो देखने में नजर नहीं आ रहा है सर। तो क्या सरकार ही अब झूठ बोलने लगी है? क्या सरकार को लगता है कि देश को मूर्ख बनाना आसान है? या फिर अधिकारियों को समझ में आ गया है कि सरकार सुनना क्या चाहती है और सुनाना क्या चाहती है? और सरकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने सफल दिखाकर आसानी से अपने नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, भले जमीन पर सच्चाई कुछ और हो। और इस कड़ी में लाभार्थियों से झूठ बोलने तक को कहा जा रहा है, क्योंकि आय दुगनी होने के जिस दावे ने रातों रात चंद्रमणि को सुर्खियों में ला दिया, वो दावा ही फर्जी है। और अगर अधिकारियों के कहने पर लाभार्थी ऐसे झूठे दावे कर रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के लाभार्थियों से बात करने के कार्यक्रम को फकत नौटंकी ने